Hi guys, I'm Gisa Tim here. This is me, Sahrish. My name is Sadiq. And my name is Aman. And today we have good news. Good news का trailer. Okay, ऐसे good news सबको ही पता है कि वो किस चीज़ से मशहूर है, पर जब मैंने ऐसा poster देखा था तो लाइक बधाई हो मूवी नहीं, उसका भी कुछ सिमिलर पोस्टर था ना. Exactly. आयुष्मान का टाइप थोड़ा different है. She is right. मैंने उससे मैंने देखा था, मुझे वो ही ध्यान. बधाई, हाँ बधाई हो का जो पोस्टर था भी मुझे याद आया, लेकिन भी सिमिलर था. ऐसे कुछ पोस्टर तो मैंने देखी क्योंकि वो मेरी पूरी फैमिली लाइन में थी और वो ठीक है. तो इसके अंदर कास्ट है अक्षय कुमार, करीना कपूर, दिलजीत एंड कियारा. अच्छा कियारा अडवाणी को सर समझो एक तरह से दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया. एग्जैक्टली कबीर सिंह. एग्जैक्टली कबीर सिंह का हिट हो जाती तो कबीर सिंह इज द वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म सेकंड नंबर पे जो 2019 में की है. सिर्फ 50 करोड़ सो एंड ये भी अभी दिसंबर में आ रही है. सो और अक्षय कुमार है जो कि बॉक्स ऑफिस से भी किंग माने जाते हैं. So there's a possibility that back to back, even though make us a household four चल नहीं पाई. नहीं चल, मतलब उसने ग्रॉस अच्छा कर लिया था. और अक्षय कुमार लेकिन उसने अभी से पता 6 फिल्में साइन की इंक्लूडिंग दिस. ओके जनवरी 2021 तक मतलब विद इन समझो 1.5 ईयर ही इज गोइंग टू मेक 6 मूवीज. ओके और सब की सब अच्छी चल जाती है. ही इज टैलेंटेड यार. टैलेंटेड है उसमें. मतलब कॉमेडी मूवी हो या तो कोई हॉरर मूवी भी करेगा ना तो वो इतना मजाक मस्ती बहुत अच्छा है. और कहते हैं ना खतरों के खिलाड़ी. हां एग्जैक्टली. अब ये जो मूवी है ना ये गुड न्यूज़ है. ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के ऊपर है. ओके इसमें मतलब एक्सचेंज हो जाते हैं आपके जो स्पर्म होते हैं ना उनके उस मतलब वो हो जाते हैं एक्सचेंज हो जाते हैं. हमने ट्रेलर नहीं देखे पर हमने से रिव्यूज वगैरह पहले पढ़े थे. हमने होता है कि वो रिएक्शन हम बिल्कुल पहला ही रिएक्शन दे. हां मगर हमने इसके जितने रिव्यूज वगैरह पढ़े तो हमने देखा था कि वो फर्टिलाइजेशन पे है, वो स्वैप वगैरह का सीन है उसमें कुछ हुआ. एंड इस तरह की मूवी थी मैंने देखी थी ऑल्दो नॉट डायरेक्टली. मतलब एक फिलहाल नाम की फिल्म आई थी जो सरोगेसी के ऊपर थी. अच्छा मतलब नॉट डायरेक्टली लाइक दिस. वो एक सीरियस फिल्म थी लेकिन थोड़ा बहुत उस तरह का रिमाइंड होता है. ओके मतलब उसकी भी कुछ ऐसी स्टोरी थी लेकिन वो स्वैपिंग के ऊपर नहीं थी. दिस इज बेस्ड ऑन स्वैपिंग. तो फनी फिल्म एक तरह की. मेरे ख्याल से इसके जो प्रोड्यूसर है वो है करण जौहर. क्योंकि करण जौहर का ही आइडिया थी क्योंकि उनका जो बच्चा है वो सरोगेसी के थ्रू. सरोगेसी के थ्रू. एग्जैक्टली. सो लेट्स सी. हां एग्जैक्टली बिल्कुल. सो ट्रेलर देखते हैं देखते हैं कैसा. आपके अपनी वाइफ के साथ रिलेशंस कैसे हैं? अभी झगड़ा चल रहा है लेकिन she means relations. Oh, you mean sex life. Frequency kya hai? 16 baar. Barbaad ho gaya. Dila de ghar. Thank you. Kitne dinon mein? Ek mahina. Bata de ghar. Dila de ghar. Tumhe bachcha chahiye ki nahi? Of course chahiye, par aise nahi ki bedroom mein jaate ho aisa lage jaise surgical strike ke liye ja raha hu. दीप्ति के एग्स और आपके स्विमर्स को हमारे लैब में फर्टिलाइज करेंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF. परफेक्ट लेट्स डू इट. मिस्टर एंड मिसेस बत्रा. यस. आर यू आल्सो बत्रास? या. वाओ वी आल्सो. बच्चा हो गया. मुझे हिंदी में बताएगा. बताता हूँ. इन्होंने मेरा स्पर्म इनके वहाँ भेज दिया और आपका स्पर्म यहाँ इनके अंदर. मतलब हमारा पैदा मिक्स हो गया है. पापी जी प्रेग्नेंट हो गए क्या? ओए अगर वो हुई भी है तो तुझे उससे क्या लेना देना? क्यों नहीं होगा जी, मेरी सारी क्वालिटी वाला बच्चा तो आप ही के पास आ जाएगा ना सर. तेरी क्वालिटी की आइसक्रीम भी ना रखूं घर में मैं. अपना बच्चा तो नहीं गिराने दे सकते उन्हें. तेरे संग यार आँख लड़ने लगी. आँख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी. तुम्हारी वजह से वो लोग हमारी जिंदगी में घुस आए हैं. अब भुगतो इन दोनों जाहिलों को. ये तुम्हारा बच्चा नहीं हमारा बच्चा है. लेकिन बच्चे में स्पैम तो मेरा है ना जी. ऐसे तो इनके बच्चे में स्पैम मेरा है. ऐसे कैसे? एग तो मेरा ही है ना जी. तो इसमें एग मेरा ही है. नहीं स्पैम तो मेरा है ना जी. ओ एग स्पैम पागल तो नहीं हो तुम लोग? ओ ये कौन? इसके पिताजी. इसके ना जी निकल जाते हैं कभी कभी. वो प्रेगनेंसी में बहुत कुछ चलता रहता है ना अंदर. वो गैस के गोले टाइप बन जाते हैं भाई साहब. ध्यान से कहीं फिर से ना निकल जाए.
Push it. Yes, that's good. Baby's coming. Reggie. जितनी एक्टिव होती जो पंजाबन जिस तरह के जो पंजाबी होते हैं हमारे ये सैरिश है पंजाबी तो पंजाबी जिस तरह के होते हैं बिल्कुल एक्टिव और जैसे हमने थिएटर में देखा तो मेरे ख्याल से कियारा की एक्टिंग में भी यही है कि काफी डाइवर्सिफाइड लगती है बिल्कुल कि जिस तरह से हमने कबीर सिंह में देखा आप बिल्कुल ही टोटली चेंज करेक्टर है हां एंड थ्रिलर के बारे में क्या कहेंगे थ्रिलर कैसा लगा गुड ना मुझे अच्छा लगा मतलब ये कि टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट था मतलब जो हम लोग जो यूजुअली फिल्में देखते हैं लास्ट मैंने सिमिलर टॉपिक में मैंने विकी डोनर देखा विकी डोनर सर विकी डोनर की इस तरीके की हां मतलब लेकिन इस तरह के टॉपिक जो है ना थोड़े टैबू समझे जाते हैं तो इसको बहुत कम ही टच किया जाता है लेकिन इसको टच करने वाला अच्छी बात है मतलब इससे अगर आईडिया को अच्छा आएगा तो मुझे लग रहा है कि मतलब एटलीस्ट ये फिल्म है ना कुछ मतलब डिफरेंट कर जाएगी बॉक्स ऑफिस पे कॉमेडी थी ठीक है काफी एंटरटेनमेंट लग रहा था कि एक न्यू सब्जेक्ट भी था और एक क्या कहते हैं करण जौहर की मूवी तो डेफिनेटली कि वो क्योंकि उधर काफी मूवी बोल्ड होती है तो इस टाइप से होती पर आई डोंट नो कि इंडिया में बट पाकिस्तान में ऐसी मूवीज नहीं होती हमारे यहां तो एक्चुअली और दूसरा ये सिर्फ मूवी तक ही ठीक था बट रियल लाइफ तो डेफिनेटली तो कुछ इवन ग्लोबल सिनेमा में भी आप देखें हॉलीवुड में भी देखें तो इस तरह की फिल्में कम बनती है मतलब जो मैंने अभी तक देखा है बनती है बट इट्स वेरी रेयर बट तो बड़े कास्ट को लेके बहुत कम बनती है तो अच्छा इस तरह से थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट होती है उनको कॉमेडी बनानी पड़ी जाए सीरियस बनाते तो इतने लोग नहीं देखते एग्जैक्टली ये एकदम की अच्छी बात होती है मुझे इंडिया की जो इंडस्ट्री वगैरह की अच्छी लगती है कि जो मतलब उनकी जैसे वो थी बाला मूवी थी वो इस मूवी की लेंथ थी वो काफी ज्यादा सैड की थी ऐसा होता है लोगों के साथ पर वो बिल्कुल कॉमेडी मूवी में चली गई तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत पसंद भी किया अक्षय कुमार इस तरह की मूवी करता है टॉयलेट की ये की और वो और इतना सारा सपोर्ट इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़